नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंजर न्यूज 24 और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बांदा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के जिला एवं नगर इकाई के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत सुंदरकांड पाठ का कार्यक्रम रखते हुए हवन पूजन का आयोजन किया गया। साथ ही मंडल प्रभारी दीपक आर्य को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के प्रदेश संगठन मंत्री पद पर नियुक्त किए जाने को लेकर कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके जनपद में प्रथम आगमन पर फूलमालाओं से उनका स्वागत सत्कार किया गया और साथ ही देश की आजादी अहम भूमिका निभाने वाले माटी के लाल चंद्रशेखर आजाद की जयंती भी मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान संगठन की महिला पदाधिकारियों ने बाजे काजे के साथ पूरा कार्यक्रम संपन्न किया। रिपोर्ट पूरन राय। मैं आपको और यहाँ किस तरह का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है? मेरा नाम दीपक आर्य है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ में मंडल प्रभारी के पद पर कार्यरत के साथ साथ प्रदेश नेतृत्व के द्वारा मुझे प्रदेश संगठन मंत्री का पद पर मनोनीत किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में आज हमारे जिला एवं नगर इकाई के द्वारा जिस स्वागत कार्यक्रम रखा गया है, उसके उपलक्ष्य में हमारी बड़ी बहन जिला प्रभारी माँ सत्री श्री रंजना श्रीवास्तव जी के द्वारा यह सुंदर कांड का हवन पूजन और का कार्यक्रम रखा गया है। इसी बीच आज क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती भी है, हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये प्रण लिया है कि उनके दिखाए आदर्शों पर हम चलते रहेंगे और बिना किसी से डरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते रहेंगे और हिंदुत्व की मजबूती के लिए काम करेंगे। जय जय श्री राम। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।